फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे हमारे ठाकुर जी को मनिहारी रूप में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खिचड़ी उत्सव जो है वो प्रारंभ हो चुका है, मैंने लास्ट वीडियो भी इसकी शेयर की थी। और इस दौरान हमारे प्रभु अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इन्हीं रूपों में से आज एक जो मनिहारी रूप है उसकी एक छोटी सी लीला आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। कैसे हमारे श्याम सुंदर जाते हैं चूड़ी बेचने मनिहारी रूप में, और हमारी राधा रानी को प्यारी प्यारी चूड़ियाँ जो है वो पहनाते हैं। तो एक छोटी सी लीला आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए पहले हम श्रृंगार कर लेते हैं ठाकुर जी का, और फिर जो है हमारे ठाकुर जी मनिहारी रूप में जाएंगे चूड़ियाँ बेचने। तो ज़रूर से देखें फ्रेंड्स पूरी वीडियो, और फिर मुझे एंड में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दें। तो यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा सा जो है वो श्रृंगार करने वाले हैं हमारे ठाकुर जी का। इनको बहुत सुंदर सी पोशाक जो है आप देख ही सकते हैं, वो मैंने पहना दी है। और साथ ही यहाँ पर ये प्यारे से कंगन मैं इन्हें पहना चुकी हूँ। और देखिए, अब मैं इनके पहना रही हूँ प्यारे से इयररिंग्स। तो ये जो ब्लूटेक वैक्स होती है वही मैंने लगाई है ये जो इयररिंग्स हैं वो चिपकाने के लिए। और सुंदर सा हम इनका श्रृंगार करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये प्यारे से मनिहारी रूप में हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा इनका श्रृंगार हो रहा है। अब हम इनके पहना देंगे कमरबंद, तो वो भी मैं यहाँ पर बांध रही हूँ। और बस अब इन्हें हम माला पहनाएंगे, बहुत ही सुंदर सा इनका श्रृंगार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और साथ ही हम इनकी बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सी हेयर स्टाइल। तो जो जूड़ा है मैं हर वक्त जैसे बनाती हूँ वैसे ही अभी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो इनकी दो चोटियाँ हैं इन्हीं की ही मदद से मैं बहुत सुंदर सा इनका ये लुक देने वाली हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से जो है वो अब मैं इसे पिनअप कर दूँगी। तो पहले जूड़ा पिन की हेल्प से मैं इसे ऐसे पिनअप कर देती हूँ, और उसके बाद हम बनाएंगे इनकी बहुत सुंदर सी हेयर स्टाइल। तो देखिए, यहाँ पर ये जूड़ा पिन की हेल्प से मैंने ये पिनअप कर दिया है, और ये जो अब इनकी चोटी है वो हम आगे कर देंगे ताकि बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा लुक आए। और देखिए हमारे श्याम सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही मनमोहक सा रूप लग रहा है इनका ये। और बस जैसे कि आज ये मनिहारी रूप लेने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं इनके नथ और जो मांग टीका है वो भी लगा दूँगी ताकि जो इनका श्रृंगार है वो पूरा हो जाए। और जब इसके बाद ये ओढ़ेंगे प्यारी सी चुनरी, तो देखिएगा फ्रेंड्स सच में कितने सुंदर और कितने प्यारे लगते हैं। तो ज़रूर एंजॉय कीजिए ये वीडियो। एक छोटी सी लीला जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो अवश्य वॉच कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्यारी सी छोटी सी जो लीला है वो कैसी लगी। और मुझे तो मानो सच में ही ऐसा लग रहा था कि हमारे श्याम सुंदर मनिहारी रूप में सामने हूँ, और बस ये चूड़ियाँ बेचने जा रहे हैं, हमारी राधा रानी को इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ पहना रहे हैं। तो मुझे तो बहुत आनंद आया फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स ज़रूर से शेयर करना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये प्यारी सी चुनरी जो है वो इन्हें उड़ा दी है, और साथ ही ये पर्स भी दे दिया है क्योंकि ये मनिहारी रूप में आज इनका श्रृंगार हो रहा है, तो ये चूड़ियाँ बेचने जा रहे हैं। तो साथ ही मैंने यहाँ पर ये पर्स भी इन्हें दे दिया है, और बहुत ही प्यारा सा इनका श्रृंगार लग रहा है। देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर से लग रहे हैं। और हमारी राधा रानी भी इस लीला के दौरान आप देख पाएंगे, तो ज़रूर से वॉच कीजिएगा कंप्लीट वीडियो, और फिर मुझे बताइएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स। जैसे कि हमारे श्याम सुंदर जो हैं
चूड़ियाँ बेचने जा चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सारी जो गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, सभी इकट्ठे हो रहे हैं और चूड़ियाँ लेने के लिए सभी उत्सुक हैं। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ और इतनी सुंदर मनिहारिन रूप में इन्हें देखकर तो सारी ही सखियों का मन जो है इन्होंने मोह लिया है। चलिए अब देखते हैं हम इनकी छोटी सी लीला। चूड़ी ले लो चूड़ी, अरे ओ गोपियों चूड़ी ले लो चूड़ी, देखो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं ये, और जाओ अपनी श्यामा प्यारी को बुलाओ, उनके लिए भी मैं बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां लाई हूँ, जाओ जाओ जल्दी उन्हें बुलाओ। ठीक है हम उन्हें बुलाकर लाते हैं, लेकिन तुम कहाँ से आई हो, यहाँ इस गांव में पहले तो नहीं दिखी कभी। अरे ये सब छोड़ो, देखो कितनी सुंदर चूड़ियां लाई हूँ, तुम्हारी राधा प्यारी को बहुत पसंद आएगी, जल्दी जाओ उन्हें लेकर आओ, जल्दी जाओ उन्हें लेकर आओ, देखो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। ठीक है हम लेकर आते हैं अपनी राधा प्यारी को। अरे ओ सखी देखो तो आज कौन आया है गांव में, और वो भी इतनी सुंदर चूड़ियां बेच रही है, चलो चलो चूड़ियां पहन लो। ठीक है चलो मैं आती हूँ, चलो ये देखो हमारी राधा प्यारी आ गई है, जल्दी से इन्हें सुंदर सुंदर चूड़ियां दिखा दो। अरे हाँ हाँ इनके लिए ही तो इतनी सुंदर चूड़ियां लाई हूँ। मनिहारी का वेश बना फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे श्याम सुंदर की तो हर लीला ही अनोखी है और सारी ही लीलाएं इनकी बहुत ही मनभावन हैं। कैसी लगी ये छोटी सी लीला और ये सारा दृश्य देखकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। खिचड़ी महोत्सव के दौरान प्रभु अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, तो अगर आपने भी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार मनिहारी रूप में किया हो, इत्र बेचने वाले के रूप में किया हो या खिलौने बेचने वाले के रूप में किया हो, किसी भी रूप में अगर आप प्रभु का श्रृंगार करते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें पिक्स उनकी और हम भी उनके दर्शन करेंगे। हमारी YouTube फैमिली भी श्याम सुंदर जी के दर्शन कर पाएगी। और बस यही था आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे हम किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।